नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना अजीत भाई। आज एक नई थीम है, बिल्कुल एक ऐसे शख्स से आज मैं मिलवाऊंगा आपको, एक्चुअल में जो सांवलिया कंपनी कहने का मतलब चलाते हैं बिल्कुल। साल से हो जी आप सूरत में आए तो पढ़ाई आपने कहां तक की? मैं बीए करके आया हूं। तो एक तो पहले बता दूं आपको मैं, नमस्कार दोस्तों, आज वैलेंटाइन डे के दिन मौका मिला है मेरे को भी कुछ बात करने का। तो ये मेरा जो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है या मोटिवेशनल टाइप का कोई मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये मेरी लाइफ की हकीकत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। ये अजीत भाई चाहते हैं कि एक हमारे जो ग्रुप सर्कल है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनके सामने मेरी एक हकीकत आए सामने कि हम कहां से काम स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, इस लेवल तक कैसे पहुंचे, वो सब जानकारी है, वो सब चीजें हैं जो आप अजीत भाई आज हम मेरे से जानकारी लेंगे और आपको तक पहुंचाएंगे। जी सर, मैंने पूछा था प्रदीप भाई पढ़ाई कहां तक की आपने? मैंने कॉलेज की है बीए करने के बाद, बीए भी मैंने समझी कि फर्स्ट डिविजन से 59% से किया मैंने। अच्छा, उसके बाद मैं सूरत आया हूँ। यानी 59% है जी, उसके बाद सूरत आए आप? बिल्कुल सूरत आ गया। घर की स्थिति प्रदीप भाई? जी स्थिति नहीं थी तभी तो ये आना पड़ा ना, स्थिति होती स्थिति होगी होती तो बीए करने के बाद कोई भी बच्चा बीए करेगा 50-60% से करेगा तो आगे का कुछ देखेगा कि मेरे को 2000 के आसपास में, 2002 की बात है, कि आगे क्या करना चाहिए वो सोचेगा कि मैं कंपटीशन फाइट करूं या कुछ जॉब की तैयारी करूं वो देखेगा। बट अपने तो परिस्थिति उस टाइप की थी कि क्या करें, परिस्थिति के हिसाब से सूरत में आना पड़ा सब। प्रदीप भाई जैसे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी इसके लिए सूरत आना पड़ा, क्योंकि पिताजी है, चार बहन भाई है, पिताजी है, तो अकेले पिताजी पे भी कितना लोड रहे, वो सिलाई करते थे। फिर सूरत आके क्या किया? सूरत आने के बाद मैंने सर्विस स्टार्ट की थी। अच्छा। और वो भी 1500 रुपए से। अच्छा, 1500 रुपए में? 1500 रुपए में, और उसके अंदर भी आजकल के बच्चे को बोल दे कोई काम नहीं करेगा वो जो मैंने किया है। बराबर, क्या काम था आपका? मैंने सर्विस किया वहाँ पे, झाड़ू पोछा। अच्छा। और कई बार तो पोटले देते थे, उठा के पोटले लेके जाता था मैं, मतलब तीसरी चौथी मंजिल तक। बराबर, वहाँ पे पोटली डाल के आना पड़ता, मजबूरी थी, क्या करें। एक लाइन जब तक सेट नहीं होगी, देखो मैं तो अपने व्यूअर्स जो लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जब तक अपने को लाइन नहीं मिलती तब तक वो सब कुछ कीजिए जो आप नहीं करना चाहते। एक बार आप जब उस लाइन में आ गए ना, एक ट्रैक तो पकड़िए आप, जब आप ट्रैक पकड़ोगे ऑटोमेटिक उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी कि आगे अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिक दिशा मिलेगी उसकी। बट आप उस लाइन में तो आइए कि अपने को करना क्या है। यानी इतनी पढ़ाई करने के बाद भी कहने का मतलब है 1500 में नौकरी की? नहीं संकोच, सबके सामने बोल रहा हूँ। इसमें भी कहने का मतलब है कि ये चीज एक हकीकत है, और मैं बिल्कुल, मैंने बारीकी से प्रदीप भाई की जिंदगी देखी है। तो प्रदीप भाई फिर 1500 की नौकरी में आप फिर घर पे क्या बेचते थे, यहाँ पर कैसे मैनेज करते थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ उसमें भी अपना खर्चा मेंटेन करके कुछ एक्स्ट्रा भी रहता था कि कुछ संडे का छुट्टी रहा एक्स्ट्रा काम कर लिया कुछ। अच्छा। कहीं नाइट में चले गए काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा का, क्योंकि देखो यहाँ आए तो अपना एक था कि खर्चा तो साइड में से निकालना ही है, जो 1500 मिले वो तो गाँव भेजना है। बराबर, क्योंकि 1500 आप पूरा बचा लेते। हाँ, 1400-1500 बचा लेते थे, उसके बाद वो गांव भेज। हाँ, वो नाइट। कहने का मतलब है कि ये परिस्थिति में भी काम किया, फिर वहां से काम करने के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे अपन काम कर रहे हैं, आज अपना एक लाइन मिली हमको कि 1500 में नौकरी की।
जब धीरे धीरे स्टेप मिला, किसी दूसरे ने देखा अरे बच्चा ऐसा है, होशियार है, ये काम यहाँ कर रहा, तो उसे स्टेप बाय स्टेप किसी ने 2000 में लगा, 2500 में लगा, लास्ट में जहाँ पे लगा मैं 4-5 साल तक एक ही जगह काम किया, 2007 तक। आज के समय प्रदीप भाई मैं हमारे जो अजीत जॉन चैनल पे है, आप देखते हो इस चैनल को, इस चैनल पे कई लोग ऐसे भी हैं जो ये काम करते हुए ही डरते हैं, कहने का मतलब है कि यार ये मैं काम करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हो? देखो डरने की किसी को जरूरत नहीं है, और कपड़े का बिजनेस है उसमें तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कस्टमर के भी मेरे सामने भी कि सर हम क्या करें, माल लेके जाते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन होती है कि माल कभी बेचते हो ना आप लोग, आप मैं बोलता हूँ 10,000 से माल स्टार्ट लेके जा रहे हो, माल लेके जा रहे हो 10,000 का, उसमें से जब आपके पास 4,000 का माल बिक जाता है तो उसमें 8,000 का माल और आप मंगवाइए आगे आपका बिजनेस बढ़ाना है तो, और नहीं तो आप वहीं का भी उसको क्लोज कर देते हो फिर कि नहीं मेरा माल पूरा सेल आउट नहीं हो रहा है, 10 का माल कभी सेल नहीं होगा, 4,000 का सेल होता है फिर उसमें नया माल डालिए तो ऑटोमेटिक अपना काम चलेगा। मैंने मेरा अनुभव तो बहुत सारा बताया है इस चैनल पे, आज प्रदीप भाई का अनुभव बता रहा हूँ मैं, जैसे प्रदीप भाई अपन जुड़े थे 2006-07 से साथ में जुड़े जी, तो प्रदीप भाई एक्चुअल में सर्विस करते थे, मुझे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था माल कैसे बिकता है कैसे बेचना, बिल्कुल नॉन एक्सपीरियंस। तो प्रदीप भाई जब मैंने प्रदीप भाई को बोला कि अपन ऐसा काम कर सकते हैं, उस समय हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, ना मेरी थी ना इनकी थी, फिर भी हमने कहने का मतलब है कि हिम्मत की कि यार काम कर सकते हैं प्रदीप भाई। तो प्रदीप भाई ने मुझे बोला कि भाई अजीत भाई काम तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तब हमने कहने का मतलब प्रदीप भाई को फर्स्ट में हमने साड़ी का कामकाज स्टार्ट करवाया था। प्रदीप भाई उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? देखो एक चीज बताऊं मैं आपको और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं मैं कि 2006-07 में जब काम स्टार्ट किया था तब क्या हुआ था कि आपने ऊपर किया कि ये काम अपने को करना है, अगर आप आ सकते हो साथ में तो आ जाइए। तो फर्स्ट चीज किसी के भी दिमाग में होती है, कोई भी बंदे को अपन नया ऑफर करते हैं या कोई नया करने का सोचता है ना, तो उसके दिमाग में एक चीज होती है नया करने वाले के दिमाग में कि यार आज मैं ये काम कर रहा हूँ 5,000 या 10,000 की सैलरी में, मैं उस टाइम कर रहा था 6,000 की सैलरी में काम कर रहा था। जब अजीत भाई ने मेरे को ऑफर किया कि आप ये काम कर सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक आइडिया था कि यार 6,000 रुपए की है, मैं 6,000 तो कहीं पे भी कमा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उसमें से मेरे को 2,000 कम भी मिला तो भी मेरा खुद का काम रहेगा, और आप भी खुद का काम कीजिए। और जब हम जुड़े थे तो इनको जो एक्सपीरियंस था, अजीत भाई को इनको एक्सपीरियंस था कि कच्चा ग्रे कहाँ से आता है, कैसे कच्चा ग्रे से अपना काम स्टार्ट करना है, कुछ वर्किंग कराना है, और डिजाइन वगैरह सब मेरे पास दिमाग में सेट था कि अपन ये डिजाइन इस टाइम सेट करेंगे तो अपना काम अच्छा चलेगा, तो एक एक्सपीरियंस था उसके साथ हमने काम शुरू किया, और मैंने 6,000 रुपए की नौकरी छोड़ के इसमें बिजनेस में आया हूँ मैं। यानी प्रदीप भाई ने एक बात बहुत अच्छी बताई है कि आदमी का डर कहाँ पे खत्म होता है, यानी ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी सोचता है कि यार मैं 5,000 में नौकरी कर रहा हूँ, और अगर मुझे 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 ऐसा लगता है कि यार मुझे 5,000
पूरा काम हैंडल कर लेता था। यानी मैं देखता था, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं आपको दर्शकों को क्लियरिटी बता रहा हूँ, मुझे नहीं थी। प्रदीप भाई पार्सल पैकिंग से लेके सारा सिस्टम, पैकिंग, माल देना, ग्राहक को माल, सब काम प्रदीप भाई खुद ही करते थे। और इन्होंने 6 महीना ऐसी फील्डिंग करके दुकान बढ़िया से सेट कर ली थी। फिर मेरे को एक ड्रेस की दुकान करके प्रदीप भाई ने दी कि आप भी इसमें बैठो। और प्रदीप भाई ने मुझे काम सिखाया कि भाई अजीत भाई ये ऐसे ऐसे चालू करो। फिर मैं भी गया, ड्रेस का कैसे क्या सैंपल खोल के दिखाते हैं, किसी से पूछा किया, नए थे बिल्कुल। यानी आज ये जो टॉपिक लाया है ना कि हम भी नए थे, हमारा एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं ना प्रदीप भाई का हमारा, हम बिल्कुल नए थे। यानी कहने का मतलब है कि प्रदीप जी डर तो होता है, डर नहीं, डर के देखो क्यों, कई ग्राहक ऐसे होते हैं। देखो बिजनेसमैन अपन दुकान कर रहे थे, तब मेरे भी सिस्टर वगैरह की शादी थी, तो मैं ऐसा सोच रहा था क्या पता सिस्टर की शादी के बाद में करें दुकान या भी कर ले, तो एक डर होता है। देखो वो चीज तो मेरे में भी था, क्योंकि मेरे भी सिस्टर की शादी थी उस टाइम पे, आपके भी थी। बट कभी भी है ना, अच्छा बिजनेसमैन वही बन सकता है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखता है। बराबर, आपसे भी एक बोलना चाहूंगा कि अच्छा बिजनेसमैन आप बनोगे जब आप रिस्क लेने की हिम्मत रखोगे। रिस्क ले लो, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकलेगा। एक बार हार भी जाओगे तो आगे बढ़ोगे दोबारा से, आपको पता रहेगा कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। जब आप वो कंपटीशन फाइट ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअल में उसमें होता क्या है। रेगुलर हैं, मतलब काफी कस्टमर इस जो साल डेढ़ साल से जुड़े हैं, वो तो काफी कस्टमर्स अपने पास रेगुलर जुड़े हैं। आने का कारण क्या है रेगुलर उनका? मतलब करीब 1 लाख दुकान है। देखो अजीत भाई और प्रदीप भाई जैसे तो हजारों बैठे हैं, ऐसे बहुत बैठे हैं, अपने मार्केट में भी बहुत दुकानें हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट चीज होती है कस्टमर को की रेट प्रोवाइड करना, वो अपनी कोशिश है कि रेट कम से कम अपन प्रोवाइड करने की कोशिश करें, कम से कम प्रॉफिट में। दूसरा चीज है कि जैसे रेट के साथ में एक रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में, अभी सिस्टम हमने चालू कर रखा है जो कस्टमर्स माल लेके जाते हैं, एक उनसे हम 20 दिन 25 दिन बाद में, माल मिलने के 20 दिन बाद में उनको कॉल करते हैं, सर आप यहाँ से माल लेके गए आपको कैसा लगा? उनका रिप्लाई, मैं बोलूँ उनका नेगेटिव रिप्लाई आएगा तो भी हमको पता लगता है कि इसमें हमारी कमी क्या है। उससे कस्टमर हमारा एक संतुष्ट होता है, नहीं उन्होंने फोन किया मेरे को कॉल किया। उनका कुछ कहने का मतलब है ग्राहक आपका आईना है। बिल्कुल वो है तो हम है कस्टमर, हम उसको कॉल आईना देखने के लिए उसको कॉल करते हैं, भाई उसको प्रॉब्लम क्या हुई, आगे कब माल लेना है, कब आना, तो उससे एक रिलेशन जुड़ जाता है। अगर दो बार उसको कॉल किया तो कस्टमर को लगेगा दिमाग में नहीं ये बंदा बिल्कुल सही है, इनसे काम करना चाहिए, इनका रेट सही है, क्वालिटी सही है, तो हम उसके साथ में जुड़ते हैं सही से। मैं प्रदीप भाई एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, अपन करीब 17-18 साल से के आसपास हो गए सांवलिया कंपनी चला रहे हैं। मैं मेरे जो दर्शक हैं जो हमें रोज सुनते हैं देखते हैं, मैं तो बहुत चीजें शेयर करता रहता हूँ आपको तो पता है।
आपको अपना कैसा अनुभव है सांवलिया कंपनी में जुड़ने के बाद? आप 17-18 साल से सांवलिया कंपनी को देख रेख कर रहे हो पूरी जी, तो इतने सालों से आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखो, पहले तो आपने मेरे को जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जोड़ा तब आज इस जगह पहुंच पाए जी। नहीं तो कई आते हैं, कई जाते हैं, कई जन जो उस टाइम मेरे साथ सर्विस कर रहे थे वो आज भी सर्विस कर रहे हैं। बराबर, यानी एक हिम्मत जो नहीं कर पाता, तो हिम्मत तो रिस्क वो लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। यानी ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, जो एक्चुअल में जो साथ वाले कर रहे हैं, अभी भी सर्विस कर रहे हैं, उनकी 20,000 सैलरी है, 25,000 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट काम करने की हिम्मत रहनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। जैसे अभी अपन ने चालू कर रखा है अजीत जोन पे जो नई दिशा चैनल, जी जी जी, ठीक है, उससे अभी कितने भाइयों को वो मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो इससे जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक्चुअल में व्यापार कैसे करना चाहिए। प्रदीप भाई, 2 मिनट रोकता हूँ आपको, मैं दर्शकों को एक चीज बता देता हूँ। जब हमने 10 व्यापारी को माल दिया था, उसमें से 6 रिपीट आ रहे थे। समय निकाल के अपने साथ भी आए जी प्रदीप भाई, तो आज वो जो 10 में से 4 बचे हुए हैं ना, वो भी अपने साथ जुड़ रहे हैं व्यापारी। सही बात है, क्योंकि अपने जो एक्सपीरियंस उनको शेयर कर रहे हैं, एक तरीका उनको बता रहे हैं कि कैसे व्यापार करना चाहिए, जो व्यापार करने का तरीका अपन उनको दे रहे हैं ना, इससे वो ज्यादा जुड़ रहे हैं। प्रदीप भाई, एक्चुअल कोई देता नहीं है क्या चीज? ऐसा कोई व्यापार नहीं, ये सूरत में भी कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। एक्सपीरियंस जो होता है ना, व्यापार करने का तरीका है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपन ने जो पूरी सीरीज दी है नई दिशा करके, कि सूरत में आने से लेके वापस माल पहुंचने तक का सारी जवाबदारी के साथ में, कैसे क्या व्यापार करना है, व्यापार आगे सेट भी कैसे करना है, माल अगर आपका नहीं सेल हो रहा उसको भी क्या करना है, कैसे सेल करना है, हर चीज से अपन व्यापारी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे अपना व्यापारी जुड़ रहा है, और देखो अपन वो चीज सिखा रहे हैं आज जो अपन ये चीज सिखा रहे हैं, हर व्यापारी को सिखा रहे हैं। अपने पास भी आज टीम है, और अपने टीम में से भी कई लड़के, जैसे एक मान लो उनको लगा सक्सेस हुए वो अपनी बात समझ के, तो वो भी अपना अलग काम कर रहे हैं, जो 2-3 लड़के हैं काम किए हैं, वो यही सोचते हैं तो सब आगे बढ़े। अच्छी बात, हम तो उनको भी बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है, आप काम कीजिए, अगर कभी भी कोई हेल्प की जरूरत हो तो हम तैयार बैठे हैं। यही व्यापारी के साथ में भी है कि कोई भी व्यापारी बंदा है, कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी फोन करो। हाँ, एनी टाइम हमारे से बात नहीं हो पा रही है, पर स्पेशली मैसेज दे दीजिए कि हमको बात करनी है, आपसे जरूर बात करेंगे सब। हमने वो 4 व्यापारी नहीं आ रहे हैं उस वजह से नई दिशा सीरीज चालू की, और इसका इतना बढ़िया रेस्पॉन्स मिला, और ये अगर प्रदीप भाई का सपोर्ट नहीं होता तो ये शायद नई दिशा सीरियल नहीं ला पाते, क्योंकि एक आदमी हो जाता मस्त के 6 आ रहे हैं, अपने को 6 चाहिए, 4 नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रदीप भाई का भी जोर उसी पे था, मैंने जब प्रदीप भाई से चर्चा की यार प्रदीप भाई 4 व्यापारी नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी अपन कुछ करें, तो हमने ये की और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और प्रदीप भाई ने आज अपना एक्सपीरियंस बहुत सारा शेयर भी किया आप लोगों के साथ में, समय निकाल के। मैं प्रदीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अजीत जोन चैनल पे आके और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरे दर्शकों को बताया जो हमें सुनते हैं दिन रात देखते हैं, और एक वैलेंटाइन डे का मौका भी था, ऐसी हमारी दोस्ती बनी रहे, 18-19 साल हो गए, आज एक नया मौका था आप लोगों के प्यार की वजह से आज आगे, और जो प्यार हमें मिल रहा है ऊपर वाले की कौन सी कृपा है मुझे भी पता नहीं है, ये सब प्रदीप भाई की इन टीम की सब मेहनत है, आपके पीछे दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे ही मिलते रहेंगे। अपने माता पिता का खूब ख्याल रखो, और मैं एक बार फिर से प्रदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अपना बहुत कीमती समय निकाल के, क्योंकि मैं तो क्या घूमता फिरता मनमोजी आदमी हूँ, प्रदीप भाई बहुत अंदर घुसे हुए हैं और अपना इन्होंने अपना समय निकाला, उनके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। आगे भी ऐसा कोई शेयर होगा, ऐसा कोई बंदा मुझे लगेगा कि यार इनको अपने वीडियो पे अपने चैनल पे लाना चाहिए, आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों एक बात बताऊं आपको, जो आज अजीत भाई ने मेरे को यहाँ पे मौका दिया है,
अजीत जोन चैनल के ऊपर बोलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का भी शुक्रिया। और वैलेंटाइन डे के मौके पे हमारी भी दोस्ती है, हमारा जो एक सांवलिया परिवार है ऐसे बना रहे, चलता रहे, और आप सब सभी के प्यार से ही ये सब संभव है। आप भी अपने माता पिता का ख्याल रखिए, सबका ध्यान रखिए सब। धन्यवाद।